इकट्ठे कन्फिगर हो गए और इकट्ठे मिल के काम करते। इंडस्ट्री का क्या कॉन्सेप्ट था प्राइमरी? माइक्रोसॉफ्ट ने इसके अंदर एक एडिशन किया AD&D ग्रेडेड ऐड कर दिया। अब AD&D ग्रेडेड और प्राइमरी में असल में बेसिकली डिफरेंस है क्या, और AD&D ग्रेडेड आप ऑप्शन क्यों चूज करेंगे? ठीक है, प्राइमरी जब आप ऑप्शन DNS के रखते हैं तो ये अपने डेटाबेस के जो फाइल है वो एक लोकली रखता है, लोकली सेव रखता है। कहां पर रखता है? लोकली सेव रखता है। कहां पर चल रहा है? सिस्टम में, डेटा 2 में चल रहा है, वहां पर DNS का पोर्ट नजर आएगा, वहां पर इसका डेटाबेस पड़ी होगी। ठीक है, AD&D ग्रेडेड क्या फंक्शनलिटी देता है? AD&D ग्रेडेड ये आपको फंक्शनलिटी देता है कि जो चेंजेस आप एक्टिव डायरेक्टरी में करते हैं, जो चेंजेस आप एक्टिव डायरेक्टरी में करते हैं वो ऑटोमेटिकली उसका रिफ्लेक्ट होता है DNS के। जैसे कि फर्स्ट करें, यूजर IP चेंज किया आपने किसी सिस्टम का, ठीक है, तो क्या उसकी एंट्री मैनुअल जाकर DNS में देते हैं? नहीं, वो ऑटोमेटिकली ऐड हो चुकी होती है। ठीक है, ये जो फंक्शनलिटी किसकी है? ये फंक्शनलिटी दो फीचर्स की है, एक तो इंटीग्रेटेड भी है, बाद में बताऊंगा, जिसको हम बोलते हैं DNS सर्विस। इसको सर डिफरेंट बाद में बात करता हूँ, डायनेमिक अपडेट्स इसको बोलते हैं, डायनेमिक DNS। ठीक है, क्योंकि अगर तो ये फंक्शनलिटी ना हो हर सिस्टम का, पता चले आपके एनवायरमेंट पे 2000 सिस्टम है, तो क्या हर सिस्टम के पहले उसको एंट्री करेंगे NIC कार्ड में, बाद में DNS के अंदर में एंट्री करनी पड़ेगी? सिर्फ आप एंट्री वहां पे करते हैं और उसके अंदर काम होता है DNS के अंदर ऑटोमेटिकली। ठीक है, AD&D ग्रेडेड क्या करता है? अब सिंपल, आपने ऑफिस से यहाँ पे आना है, अब गाड़ी पे आ रहे हैं, ठीक है, गाड़ी में आप अकेले हैं, आप साथ किसी को कुछ को बैठा के ले आते हैं, यार तुम भी मेरे साथ ही चलो, मैं भी इधर जा रहा हूँ, तुम भी इधर जाना। अब AD&D ग्रेड की क्या फंक्शनलिटी है? जहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी NDDS फोल्डर में सेव होती है ना एक्टिव डायरेक्टरी, ठीक है, NDDS फोल्डर में जहाँ पे वापस की डायरेक्टरी सेव है, डाटा सेव है, वहीं पे DNS की डायरेक्टरी सेव होती है। अगर ऑप्शन इसकी प्राइमरी के साथ क्या कर देते हैं? AD&D ग्रेड, ठीक है, तो जो रिफ्लेक्ट एक्टिव डायरेक्टरी में पड़ेगा एज इट इज वो ही रिफ्लेक्ट DNS में भी पड़ेगा। इसके साथ साथ AD&D ग्रेडेड आपको जो है सिक्योरिटी भी देते हैं, AD&D ग्रेडेड आपको DDoS फैसिलिटी भी प्रोवाइड करे। DDoS डायनेमिक DNS, दूसरे वर्ड में उसको बोलते हैं डायनेमिक अपडेट्स। इसके फंक्शनलिटी इसके साथ ही होती है। DSP के अंदर भी होगा, वहां से एनेबल करना, एनेबल कर दें उसको, अनचेक करना, अनचेक कर दें। ये जो इसके प्रॉपर्टी में चल रहा है स्कोप में, ना स्कोप में सेकंड टाइम में आपको DNS के ऑप्शन नजर आती है। ठीक है, अच्छा जी, अब बात कर रहे थे, अब मैं इसमें काम करूंगा, जरा देखिएगा कुछ चीजों को, जरा गौर से जरा देखना। ठीक है, अब इसमें टाइप जो मेरे पास कॉन्फिगर हो गया जोन की, वो प्राइमरी प्लस AD&D ग्रेडेड है। ठीक है, पहले मैं कुछ चीजें आपको दिखा दूं, दें उसके बाद बात करेंगे। ये ऊपर कितना टाइम नजर आना है इसमें? सिक्स है ना? ठीक है, अब मैं इसके टाइप को चेंज कर दूं। अब देखिए, एक सेकंड, अब मैं इसको दोबारा ओपन करता हूं। नीचे ऑप्शन देख रहे हैं, अब इसमें भी जरा देखना था, यहाँ पे लिख करते जाना, फिर जब चेंज करता जाऊंगा फिर जरा देखते जाना क्या ऑप्शन आ रही है इसमें, नॉन और एक नॉन सिक्योर सिक्योर आ रही है। अब देखना जब AD&D क्रिएट करता हूं फिर तेरा कितने ऑप्शन है।
ए भी चेंज हुआ, ऊपर के आ गया सिक्योरिटी का टैब, और इसमें जरा देखो सिक्योर हो गई, सिक्योर हो गई बढ़ गया। ये तीन किस फीचर्स के लिए है, इनकी क्या फंक्शनलिटी है, ये रोल्स के डिफरेंट है। अभी का आपको सर मैं दिखाना चाहता था कि सिक्योरिटी का जो टैब है, ठीक है, प्राइमरी सिंपल कर दें उसमें आपको सिक्योरिटी नहीं मिलती, एडियन डी ग्रेडेड मैनेजमेंट करेंगे तो उसमें सिक्योरिटी मिलता है। एडियन डी ग्रेडेड एक सिक्योरिटी दे रहा है, एक ये फीचर भी आपको दे रहा है कि प्राइमरी में जब यहाँ पे प्राइमरी सर्कल बिगड़ करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन थी सेकेंडरी, ठीक है, तो ऊपर क्या था सिर्फ सिंगल मास्टर, ठीक है। अगर इसके ऑप्शन आप कैसे कर देते हैं ये वाले, तो इसको बोलते हैं मल्टी मास्टर,